बात करते हैं हिमाचल के डिप्टी सीएम की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना दौरे पर थे और यहां पर पंजाब में उन्होंने सिर नाले के चैनलाइजेशन का शिलान्यास किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीन हार झेल चुकी पार्टी को ही जनसंपर्क की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश में थे और महासंपर्क अभियान बीजेपी चला रही है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने बीजेपी के नेता रख रहे हैं और इसी पर कटाक्ष किया है हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने। मिसिंग वर्क्स हैं उनको हम कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं हरोली में कॉलेज की बिल्डिंग 5 साल नहीं बनी, अब बननी शुरू हो गई है। खड़ कॉलेज शुरू नहीं हो पाया था, अब शुरू हो गया है, उसकी चारद्वारी भी हो रही है। और वहाँ पे जो है जो खेल के लिए जो है इंडोर स्टेडियम की मांग आई है वो अब हम करने जा रहे हैं। हरोली स्कूल का ग्राउंड बनना था, उसकी बात चल रही है। तो ऐसे काफ़ी मसले ये इस तरह के हैं जो कि सालों साल जो मांगे नज़रअंदाज रहे, अब उनको कर रहे हैं। बाकी तो हरोली में अब 3 डिग्री कॉलेज हो गए हैं, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए हैं।